हेलो एवरीवन, सो आई एम कल्याणी और आपका स्वागत है कल्याणी डिलीशियस रेसिपीज में। तो आज हम बनाएंगे हनी चिली पोटैटो की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। नॉर्मली जो हनी चिली पोटैटो बनाते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा टाइम लगता है। डीप फ्राई करो, फिर से फ्रीज करो, फिर से डीप फ्राई करो, कोई ज़रूरत नहीं है। और आज हम रेसिपी में बिल्कुल भी मैदा नहीं यूज़ करेंगे, कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ मैक्सिमम 15 मिनट में आपके बिल्कुल टेस्टी और बिल्कुल होटल जैसी हनी चिली पोटैटो की रेसिपी रेडी हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और कुछ भी डाउट्स और कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। उसके बाद ही अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसी के बाजू में एक छोटा सा बेल आइकॉन है, उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा हर अपडेट मिलता रहे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए अभी हम सीधा रेसिपी की ओर चलते हैं, फटाफट से रेसिपी बनाते हैं। सो इधर मैंने 3 आलू लिए हैं, ये देखिए बहुत हार्ड है। उसी के साथ इसका जो छिलका है बहुत ही पतला है, बहुत थीन है, और एकदम नए आलू रहते हैं, बहुत मिट्टी रहती है इनको। सो ऐसे ही आलू हमको लगेंगे, अंदर से एकदम वाइटिश रहते हैं, आप देख सकते हो छिलका निकालने के बाद। सो इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए पहले, तो उसके बाद छिलका निकालिए, बहुत मिट्टी रहती है इनको। तो हम इसका अभी फ्रेंच फ्राइज़ बना लेंगे। सो टॉप बॉटम वाला पार्ट मैंने काट लिया और इसके हम छोटे छोटे से फ्रेंच फ्राइज़ बना लेंगे। ये देखिए बहुत बड़े वाले बिल्कुल नहीं बनाने हैं हमको। सो ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए छोटे छोटे से हमको फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं ताकि हमको आगे की प्रोसेस में इजी जाए। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी के साथ आलू कौन से लेने हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो टॉप और बॉटम वाला जो पार्ट है उसके भी हम छोटे छोटे से फ्रेंच फ्राइज़ बना लेंगे, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देंगे। सो फटाफट से मैं सारे बना लेती हूँ। सो ये देखिए अभी इसको हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे। सो 15 मिनट के बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया 2 बार, और इसको हम छन्नी में निकाल देंगे। ये देखिए सारा पानी अच्छे से हम निकाल लेंगे, 5 मिनट तक मैंने छन्नी में ही रखा ताकि सारा पानी निकल जाए। सो अभी हम तेल गरम कर लेंगे, बहुत ही अच्छा सा गरम कर लेना है हमको तेल, और जो हमारे फ्रेंच फ्राइज है सीधे हम बहुत ही गरम गरम तेल में डाल देंगे। ये देखिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमारे फ्रेंच फ्राइज थोड़े से थीन है, मतलब मीडियम साइज़ के, ज़्यादा थिक नहीं है, तो अंदर से ये पक भी जाते हैं और ऊपर क्रिस्पी होते हैं। सिर्फ आपको आलू लेते समय ध्यान रखना है, और दूसरी बात आपको कट करते समय ध्यान रखना है। सो इसको अच्छे से ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सो हम अभी ये निकाल लेंगे। ऑयल अच्छा सा आपका गरम होना चाहिए, और फटाफट से ये फ्राई भी हो जाता है। हमको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है अच्छे से। सो चलिए मैं सारे अभी फ्राई कर लूँगी। सो मेरे सारे जो फ्रेंच फ्राइज है वो फ्राई होकर रेडी है। अभी हम इधर एक कढ़ाई लेंगे, 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लेंगे, और उसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ लहसुन। अच्छे से इसको करीबन 40 से 50 सेकेंड्स के लिए अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे हम। ज़्यादा ब्राउन कलर का नहीं होने देना है हमको, सिर्फ उसका जो रॉ स्मेल है वो जाने देना है, दैट्स इट। सो अभी इधर मैंने बड़े टुकड़े में एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, वो काट कर हम इसमें डाल देंगे। सो ये देखिए मैंने कैप्सिकम भी उसी शेप में काट कर उसमें डाल दी है, बड़े बड़े टुकड़ों में। सो अभी इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इसमें। सो 1 मिनट के बाद इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच के करीब विनेगर डाल दिया। इधर मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, उसमें मैं डाल दूंगी शेजवान चटनी करीबन 1 बड़ा चम्मच,
उसके बाद हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच। थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल देंगे टेस्ट के लिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रेड चिली पाउडर डाल दूंगी मैं, और ये मैंने दो हरी मिर्च ली है, बड़े बड़े टुकड़े में इसको काट कर मैंने डाल दिया। अभी इसमें जाएगी काली मिर्च की पाउडर, उसके बाद हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है। याद रखिए सॉसेस में भी नमक होता है, सो आप टेस्ट वाइज उसको ऐड कीजिए। सो अभी इसको हम एक मिनट के लिए पकने देंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर में मैंने 1/3 कप पानी लिया है, मतलब टोटल हमको आधा कप पानी डालना है इस मिक्सचर में। सो अभी मैंने 1/3 कप डाल दिया, थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी मैं, उसके बाद फिर से पानी डालकर उसको अच्छे से पकने दूँगी 2-3 मिनट के लिए। सो 2-3 मिनट के बाद ये अच्छे से आप देख सकते हो बबल आने लगे हैं, उसी टाइम हमको इसमें 2 छोटे चम्मच हनी डालना है, क्योंकि हम आज हनी चिली पोटैटो बना रहे हैं। सो इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच हनी डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए, थोड़े से हम तिल डाल देंगे, ये मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिए हैं तवे पर, तो वो और क्रंची और टेस्टी लगे। सो इसी वक्त आप इस सॉस का टेस्ट कर लीजिए, कुछ नमक और कुछ डालना है तो अभी डाल दीजिए। उसके बाद हम हमारे फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे उसमें और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और दैट्स इट। सिर्फ 1 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई नीचे उतार ली और हमारे गर्मा गर्म हनी चिली पोटैटोज बिल्कुल भी रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत यम्मी लगते हैं और सिर्फ 15 मिनट में बनकर रेडी है। ये देखिए, तो इसके साथ मैंने थोड़ी सी शेजवान चटनी सर्व की है, बहुत टेस्टी लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंजॉय।